आज का सीन है कुछ ऐसा कि हम जा रहे हैं मसूरी, तो ठीक है फिर चलते हैं मसूरी। एक्साइटेड है मसूरी जाने के लिए? कुछ बोल ना यार, कुछ हमारा चले यहाँ से। तू सोहित? ये तो बारिश भी पड़ रही है कल। पहुंच गए मसूरी, ठंड लग रही है, ठंडा है, बहुत तेज हवा चल रही है। मसूरी तो हम सबसे पहले ऊपर जा रहे हैं, वहां पियेंगे चाय और चलो चलते हैं। सॉरी दादा, चल 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 जल्दी आप, हमारी तीनों ऊपर तो आ गए। अब दिखाते हैं वो व्यू कैसे दिख रहा है यहाँ से, फिर पीते चाय। क्या सही व्यू आ रहा है ऊपर से, पूरा देहरादून दिख रहा है। अनवाड़ी कैसे लग रहा है हवा में लहराते हुए? ओए हवा बहुत तेज है भाई, चल चाय पीता जाओ अब अनवाड़ी। 2700 तीन चाय करना, ठीक है ठीक है। चाय आ गई हमारी यार, हम ऐसी वादियों में खड़े होकर चाय पी रहे हैं, पीछे इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, रख चाय। कुछ और तो पता नहीं कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है सोचते हैं, देखते कहाँ जाना है। क्योंकि जैसे चाय तो पी ली, अब हमें शाम को वापस भी निकलना है, हमें कुल मिला के 1.5-2 घंटा है। तो भैया बोले 1.5-2 घंटे में तुम मॉल रोड घुमाओ, तो हम मॉल रोड जा रहे हैं ना प्रियांशु। हाँ उसके लिए चलो देखते हैं, कोई अगली बार प्लान करके आएंगे ना प्रॉपर। मात्र 1.5 घंटा फेस बचा है, 1.5 घंटा भी, हाँ 1.5 घंटा ही बचा है काइंड ऑफ, बस वॉकिंग डिस्टेंस भी कहीं जा सकते हैं। तो हम मॉल रोड में, मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं तक ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे, पूरा मार्केट मार्केट घुमाएंगे, बस अगली बार आएंगे प्रॉपरली प्लान करके। जल्दबाजी में आ गया इस बार, पर सही है, मजा तो आ रहा है, ठंडा ठंडा। हम इधर आ गए, दोनों दिखाओ ना, कैसी लग रही है हवा तुझे? मजे है ना? अरे वैसे यार पनवाड़ी चाय भले ही हम ज्यादा ना घूम पाए, पर यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यार। दिल खुश हो गया, यही तो पनवाड़ी को झूला दिखानी चाहिए वहाँ, तो कह रहा है यहीं रुकना है, इसी में करेंगे झूले के चक्कर में, ये भी ठीक है। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. तेरी हाइट से भी बड़ा गुब्बारा हूँ। अरे हाइट हमारी बड़ी है, वास्तव में लगता नहीं है। तेरी हाइट से बड़ा गुब्बारा, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, हाइट तो जिराफ की भी लंबी है। ओ क्या डायलॉग मारा, राजा तो शेर है ना, देख ले मसूरी में भी तेरे लेम जोक्स खत्म नहीं हो रहे। जोक्स क्या है ये, तो सीरियस डायलॉग था, सीरियस था तेरे। और क्या मजा क्या देगी, चले जा रहे हैं और हवा का आनंद लिए जा रहे हैं, मजे तो आ रहे हैं भाई। पनवाड़ी कुछ मौसम में यार कुछ डायलॉग मार दे मौसम के लिए। मौसम तो सुहाना है तेरे को। हाँ मैंने भी पूछा, एक नटेला की इतनी सी डिपस्टिक थी, लिपस्टिक डिपस्टिक यार डिपस्टिक। हाँ मैंने पूछा है कितनी की है, मैंने कितनी की होगी, चलो मसूरी आ रहे कितने हो गए, ज़्यादा 60-70-80। ओनली 280, अबे ओनली की लगा रहा, 280 तो बहुत है। सही कह रहा, ओनली एक व्यू और मिला है, हम उसे देखने जाएंगे। आजा बनवाड़ी का। You know just what you do to me. Play my. आगे अब कुछ गर्मा गर्म खाएंगे, क्योंकि बारिश पड़ी, चाय तो पी ली थी, मोमोज वगैरह खाएंगे, उधर भी खा लेंगे, इधर भी खा लेंगे। वो गलती करती है कि हमने शाम को निकले, जो हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, पर कोई नहीं, आज ना हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या है यहाँ, फिर वापस आएंगे। संडे को आना चाहिए था हमें, पर सीन ये हो गया संडे को, आज मौसम अच्छा हो गया, हमें संडे को वाला मौसम नहीं मिल पाता, बारिश पड़ रही है, बस में हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, भीग रहे हैं, बढ़िया मार्केट घूम रहे हैं। ये थी हाँ मोमो, सही गर्मा गर्म के सही लगेगा यार, तेरी खाएंगे आगे चलेगा, थोड़ा आगे घुमाएंगे ना। एग्जाम्पल लेने जाते हैं कि बुरे मसलों में आपको भीड़ लगेगी, लेकिन एक जगह भीड़ कहीं नहीं होती है, कहाँ? यहाँ बुक स्टोर। क्यों पनवाड़ी क्यों नहीं होती है भीड़? क्योंकि बुक से नफरत हर बच्चे को, हर बड़े इंसान को होती है। और ऊपर से मसूरी आके पढ़ाई करने थोड़ी आए हम, पॉइंट नहीं हो पाया। यहाँ पे अपने नेगी का टी स्टॉल भी दिख गया, अभी से नेगी एमबीएस नेगी वाला, अभी उल्टा दिख रहा है नेगी एमबीएस वाला, नेगी जी टी स्टॉल। ओ आपके बेटे का नाम भी अभी सेक है, हमारे दोस्त का नाम भी अभी सेक है, इसलिए उसको दिखा रहे थे नेगी चीटी स्टोर। ये अच्छा हो गया, कोइंसिडेंस की तो तगड़ा है देखने की। नहीं अगर आपको पूरा मसूरी घूमना है तो कितने कितना टाइम लगेगा? 2 दिन
मतलब प्रॉपर एक चीज घूमनी तो अच्छे से तो दो दिन तो चाहिए। हाँ क्योंकि अब जैसे मांगे तुम तो ये पनवाड़ी की लैंग्वेज में बोले तो फू फाव में घूमना हुआ आए और बस जगह, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह इतनी प्यारी है आप काफी देर बैठ के निहार सकते हो और वहीं पे खा सकते हो, तो काफी टाइम चाहिए। यस वी आर ऑलवेज रैट। गर्मा गर्म मोमोस खाओ। शांति हो गई, इसलिए चहल पहल खत्म हो गई। तो या तो लोग वापसी के लिए तैयार हो गए या अपने अपने रूम में पहुंच गए होंगे, जिन्हें रूम ले रखे होंगे क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है ना काफी। बंटी की ओर खा लेते हैं क्योंकि व्यू तो जितना दिखा पाए उतना ही दिखा पाए। अब जल्दी से जाना, टिकट लेनी है। कैसे लगा खाने में? बढ़िया। बंटी की ही मुझे सबसे बढ़ते लगे थे यहाँ पे। हमारी वापसी का टाइम हो गया, मैं बस निकलने वाला हूँ। बस ये पूछना तो एक लास्ट टाइम और मोमोज खा गए, कैसे लग रहे हैं? यहाँ के बैठ रहे हैं, वहाँ के बैठ रहे हैं। अच्छा, बस टिकट काउंटर था वहाँ, तो मैं सोहित को लगा दिया। इस बार हमारी स्कीम काम नहीं कर पाई। वह एक महीने पहले तो सोहित लगा सबसे पीछे। अरे यार, एक अंकल बोल रहे थे पीछे से, हमने ना हम क्या बेवकूफ हैं, हमने आगे वाले भैया से बात कर ली थी कि हमारे भी टिकट ले देना, हो गया था पूरा। पर पीछे वाले भैया अंकल जी बोल पड़े, चिल्ला पड़े कि ना है यार हम बेवकूफ हैं। ऐसा पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी लाइन लगी हुई, अभी एक इंसान 5 टिकट लेता तो हम फायदा क्यों उठाए? और हम तो कॉलेज स्टूडेंट है, हमारे पास हम नौकरी थोड़ी करते, वो अंकल तो नौकरी करते नहीं यार भाई। वो तो महंगा अपने आप की स्कूटी खरीद जा सकते अपने आप देहरादून। अभी क्या, चल छोड़ यार, मैं तो स्कूटी खरीद जाते हूँ। स्कूटी खरीद के मतलब किराए पे यार, किराए तो वापस दिन तो आता से। हाँ यार वापस दिन तो सही बात है। तो हम नीचे सुना है कि पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैक्स लगती है, वहाँ जा रहे हैं, चलो चलते हैं। तो रास्ते में हमें भैया मिले, इन्हीं की बदौलत तुम खड़े हो कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं की बदौलत मैं बैठ के आ रहा हूँ। ये लोग तीन बदमाश थे, मैं लाइन में खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी आगे जाके किसी को घूस देके बोले थे हमारे लिए टिकट ले लो। फिर मैंने दंगा किया वहाँ पर, चिल्लम चिल्ली की, तब जाके ये लोगों ने, ये लोग फिर भी ना माने, तो मैंने बोला कुछ मत करो, तो इग्नोर कर दिया मेरे को। लेकिन वो कुछ भले मानुस वहाँ पर थे, उनके अंदर की आत्मा जागी और उन्होंने बोला कि नहीं हम आपके लिए टिकट नहीं लेंगे, इन बुढ़ाओं के लिए देंगे। मिली नहीं हमको, मिली नहीं, इनका पाप भी मेरे पे आ गया। इस कहानी का सीख है, इस कहानी का सीख है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जो होना था हो के रहता है। मतलब आपको जब ये हार्ट जो ट्रांसप्लांट करना हो, हार्ट खराब हो या अच्छा हो, इसका जो होना हो जाएगा। ये भी है, यही बात हुई ना, बोलो कुछ। हमारा ये है कि हमारा ट्रिप खत्म हो गया, वापस हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो वापस से अपनी वही लाइफ शुरू होने वाली 2 घंटे बाद। आपका क्या ज्ञान है? हमारा ये ज्ञान है कि जिन अंकल जी हमें बैठने से रोका, आज हमारे साथ कुछ खड़े हैं। कौन, किसने? आपको दिखाई दिया, आपको भी पीछे करेंगे अपने ब्लॉग में। नहीं नहीं, मैं, मेरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं पैसा लेता हूँ हर चीज का। और ये ब्राह्मण जी, आप भी तो कुछ बताइए, ये मीट खाते हैं, सब्सक्राइबर नजर आ रहा है आपको? सब्सक्राइबर नजर आ रहा है? नहीं नहीं, मैं गंदे चैनल नहीं करता, लाइक कर दीजिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर बाय बाय।